हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एडोनियस, जो कि पीबी शैली की लिखी हुई एक एलिजी है जॉन कीट्स के ऊपर, उसकी समरी लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं सर। एडोनियस जॉन कीट्स की डेथ पर पीबी शैली ने एक एलिजी लिखी थी। जॉन कीट्स, जो कि एंडीमियन और हाइपरियन जैसे फेमस वर्क के ऑथर थे, ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो कि पीबी शैली ने 1821 में लिखी थी, और इसे पीबी शैली की बेस्ट और मोस्ट वेल नोन वर्क माना जाता है। इस पोएम में 495 लाइनें हैं, 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं, 9 लाइंस का स्टेंजा होता है, और ये इन्होंने 1821 में की स्प्रिंग में कंपोज किया था। 11 अप्रैल को शैली को पता चला था कि सर जॉन कीट्स की डेथ हो गई है, और ये जो एलिजी है ये जॉन मिल्टन की लिसीडियस की ट्रेडिशन की एलिजी है। शैली ने बहुत सारी क्लासिकल एलिजी को पढ़ा और ट्रांसलेट किया था। इस पोएम का जो टाइटल है वो एक्लीज जैसे फेमस वर्क जो कि रोमन पोइट सेटेटियस ने लिखा था, उसके ऊपर मॉडल है, और इसमें ग्रीक एडोनिस, जो कि एडोनिस एक फर्टिलिटी गॉड है, उनकी अनटाइमली डेथ के बारे में बताया गया है। कुछ क्रिटिक ये भी कहते हैं कि शैली ने वर्जिन का 10th इकोलॉग, जो कि कोरिनियस की गालस के प्रेज में लिखा गया था, उसको एज ए मॉडल यूज किया है। इसका पब्लिकेशन जुलाई 1821 में चार्ल्स ओलियर ने किया था, और एक प्रीफेस था जिसमें शैली ने एक गलत असर्ट किया था कि सर कीट्स की जो डेथ है वो एक रप्चर ऑफ लंग हो गई थी, जो क्योंकि उनके जो व्यू वर्स थी, जो उनकी पोइम्स थी, उनका हार्श रिव्यू किया गया था क्वार्टरली रिव्यू के अंदर और अदर जर्नल के अंदर। उसने जोसेफ स्टर्न को भी थैंक किया कि वो कीट्स को रोम में लेके गए और वहाँ उनका ध्यान रखा। अब हम स्टार्ट करते हैं सर। ये जो पोएम है ये एक इन्वोकेशन, और इन्वोकेशन मतलब जैसे आह्वान से स्टार्ट होती है, और इसकी बड़ी ही मोर्नफुल टोन, बड़ी दुखद टोन है क्योंकि ये एलिजी है। इसमें ये बताता है कि नेचर भी जो है वो इस जो ये बीराविड शेफर्ड्स या पोइट्स को एक शेफर्ड मानता है, उसकी मॉर्निंग के लिए ये पार्टिसिपेशन कर रही है, क्योंकि अभी अभी एक शेफर्ड मरे हैं। इसके बाद में बहुत सारे मॉर्नर्स का प्रोसेशन आता है, बहुत सारे मॉर्नर्स आते हैं जिनमें एक तो शैली है और दूसरा फेमस मॉर्नर है लॉर्ड बायरन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजीसी नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि सर कौन कौन से मॉर्नर थे। तब स्पीकर जो है वो लिटरेरी क्रिटिक्स पे अटैक करता है, जिन्होंने जो गोइंग आर्टिस्ट कीट्स था उसकी सेल्फ एस्टीम और ऑनर को डैमेज कर दिया, और फिर वो कंसोलेशन पर उसे कंसोलेशन से पहले ही वो मूव कर गए। पर शैली ने अपने एक टाइप का एक कोडा बनाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना ट्रांसडेंटल कॉन्सेप्ट जो था डेथ का, ट्रांसडेंटल जो होता है ये, जिसे हम कह सकते हैं एक टाइप का मेटाफिजिकल होता है, और उन्होंने अपनी फॉरबिडिंग बताई कि सर डेथ एट द एंड ऑफ द पोइम। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपना, मतलब एक्चुअली तो ये होता है कि सर बंदे आए, रोए, और फिर जिस जिसकी भूमिका थी उसको रोया और पोएम खत्म। पर जॉन कीट्स के ऊपर लिखी हुई इस एलिजी में पीबी शैली ने क्या किया, उन्होंने अपना ही बीच में एक ट्रांसडेंटल कॉन्सेप्ट डालना स्टार्ट कर दिया डेथ का, जिसके कारण ये पोएम थोड़ी सी लंबी होगी। ये जो मूड है वो ग्रीफ से ग्रेजुअली दुख से बाद में क्या कंफर्ट में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब पोएम एंड तक पहुंचती है ना तब तक कंफर्ट आ जाता है। शैली कहता है कि कीट की आत्मा जो है वो अटर्नल हो गई है, अमरता के साथ मिल गई है। फिर वो जब वो रोम में प्रोस्टेंट सीमेंट्री देखता है प्रोस्टेंट, क्योंकि जो कीट्स था वो एक प्रोस्टेंट था, इसलिए उसे प्रोस्टेंट सीमेंट्री में दफनाया गया। शैली अपने फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को बताता है, जो कि प्लेटो के डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियल आदर्शवाद से
मिलता है। लाइफ, वो कहता है कि लाइफ क्या है, लाइफ लाइक ए डूम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, लाइफ जो है वो बहुत सारे रंग बिरंगे ग्लास का बना हुआ एक गुंबद है। शैली कहता है कि वो जो उसके नियो प्लेटोनिक आइडिया, नियो प्लेटोनिक मतलब जो प्लेटो के बाद जितने भी पोइट्स ने प्लेटो से रिलेटेड आइडियाज दिए उन्हें हम नियो प्लेटोनिक, नव प्लेटो आइडियाज कहते हैं, आइडियल्स कहते हैं, आदर्श कहते हैं। कि कीट की जो डेथ है वो ग्लोरी में हुई है, सम्मान में हुई है, और वो कहता है ये जो डेथ है वो उसके मर्डरर की जो इनग्लोरियस और शेमफुल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसके मर्डरर कौन थे, वो सैवेज क्रिटिक थे, वो क्रिटिक थे जिन्होंने उसका मर्डर, उसका जिन्होंने रिव्यू लिख लिख कर कीट का मर्डर कर दिया। वो ये भी कहता है कि उसे तो जॉन कीट्स की आत्मा इमोर्टल वर्ल्ड में बुला रही है। और आपको पता ही है कि शैले कीट की डेथ के 2 साल बाद ही मर गया था। तो इससे अब कुछ लोग कहते हैं इसको अपनी डेथ का भी पहले पता चल गया था कि उसको कीट की आत्मा बुला रही है। अब हम बात करते हैं एडोनियस। एडोनियस वर्ड जो है वो दो शब्दों, दो सोर्स से लाते हैं, एडोनिस और एडोनाई। एक तो क्लासिकल था एडोनिस और एडोनाई क्रिश्चियन था। एडोनिस जो था वो ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक पुराणों के अंदर एक ब्यूटीफुल इंसान था जिसे कि दो देवियां प्यार करती थी, एफ्रोडाइट और प्रोसपेन। अब क्या हुआ कि जब वो एक बार किसी वाइल्ड बोअर, किसी सुअर को मारने गया, वहां वो मर गया था, तब जो देवता ज्यूस थे, इंद्र भगवान ने उसे एफ्रोडाइट के लिए वापस जिंदा कर दिया। पर वो बहुत समय तक प्रोस्पेराइन के द्वारा रखा गया था, इसलिए ज्यूस ने ये तय किया कि एडोनिस जो है वो विंटर के महीने प्रोस्पेरोन के साथ हैडीज में रहेगा, और समर के मंथ, हैडीज मतलब स्वर्ग में रहेगा, और समर के मंथ जो है वो एफ्रोडाइट के साथ रखेगा। यानी कि ये जो पर्सन था ये काफी समय तक प्रोस्पेराइन के साथ रहा, तो उसने ये बोल, ये डिसाइड किया कि साहब विंटर जो है वो विंटर तो रहेगा एफ्रोडाइट के साथ, सॉरी प्रोस्पेराइन के साथ, और समर रहेगा एफ्रोडाइट के साथ। इसकी जो डेथ और इसकी रिसरेक्शन, उसके पुनर्जन्म की स्टोरी है, ये नेचुरल साइकिल है डेथ और रिबर्थ का, उसको उसका सिंबल है। दूसरी तरफ जो नेम एडोनाई है, एडोनाई का मतलब है एडोन, इसका एक अर्थ लॉर्ड भी होता है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में हमारे सामने आता है। शैली की पोएम में जो वर्ड है वो कीट को, हालांकि कीट को लिटरली तो प्रेजेंट करता है, पर वो नेचुरल रीबर्थ को भी शो करता है कि ये जो अमर पोइट है वो उसका नेचुरल रीबर्थ होगा। साथ ही ये कहता है कि सर जो लॉर्ड की पावर है, लॉर्ड ने जो क्रिएटिव पावर गॉड को दिया ये उसको भी बताता है। तो इन्होंने कोई सिंपल ऐसे नहीं है सॉरी कि एक कोई नाम पकड़ा और डाल दिया। इस नाम के पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है कि एडोनिस जो वर्ड है, एडोनियस जो है, ये एडोनिस और एडोनाई दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और इसके अलावा जो यूरेना जिसकी ये बात करता है, और यूरेना जो है वो, और साथ में वो एफ्रोडाइट भी है, जिसने यूरेना, इसमें शैले की माँ होती है वो एफ्रोडाइट होती है, जो कि कहती है अर्थ मदर ऑफ एडोनिस मिथ, और साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस भी लाता है, जिसे क्योंकि मिल्टन ने यूरेना को एज ए हेवनली म्यूज इन्वोक किया था। मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट है, उसमें उन्होंने यूरेना को एज ए हेवनली म्यूज इन प्रोवोक किया था। इंडीड ये हमें बड़ा अजीब लगता है कि शैली ने कीट्स की डेथ को इस तरह के आर्टिफिशियल और कंस्ट्रेंटेड फॉर्म में लाया, क्योंकि ये पेस्टोरल एलिजी की रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी उसके दुख की भावनाएं सच्ची होती तो उसने उनको प्लेन और या लेस कंट्राइव्ड फॉर्म में क्यों नहीं किया, क्योंकि पेस्टोरल फॉर्म जो है वो एक पोइट को अलाउ करती कि आप अपने जो व्यूज हैं उनको पोइटिसाइजिंग कर लीजिए, मतलब आप अपनी इस चीज को पोइम में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ऐसे नॉर्मली दुख व्यक्त करता तो फिर वो एडोनिस का मिथ कहां से लेके आता। ये शॉर्ट क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि सर वो उसने इसको एज ए पेस्टोरल एलिजी क्यों लिया।
इस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं, क्योंकि शैली जो था वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल पोइट थे और वो बहुत तरह के पोइटिक स्टाइल और एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने अपने फेलो पोइट को एक बड़ा उचित सम्मान दिया, जो उन्होंने उनको एक ऐसी स्ट्रक्चर में उनको पोइटिक डिस्कोर्स में उनके ऊपर एलिजी लिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ थी। शैले ने सभी ट्रेडिशनल फॉर्मेट में फॉर्मल पेस्टोरल कंटेंस कंस्ट्रेशन जो थे, जैसे पोइट्री में लिखते लिखते जो जो कुछ होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होता कि आपने एक एलिजी लिखनी है उसमें पेड़ पौधों, क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है कि साहब पेस्टोरल एलिजी का मतलब क्या है कि आप उसमें पेस्टोरल यानी कि आप उसमें पेड़ पौधों का वर्णन कर दो, चारागाह, पेस्टोरल का मतलब लोग चारागाह पोइट्री निकाल लेते हैं, ऐसे नहीं होता। पेस्टोरल पोइट्री के अंदर क्या होता है कि हमारे पर कुछ कंस्ट्रेन होते हैं कि हाँ आपने ऐसे ऐसा ऐसा करना है, किसी एक देवी देवता का आह्वान करना, आपने ये सब कुछ करना है। तो उन्होंने सब ट्रेडिशनल फॉर्म्स को उन्होंने माना और ट्रेडिशन को देखते हुए उन्होंने करैक्टर का और एक्चुअल नाम नहीं लिया, बल्कि उनको शेफर्ड के नाम दिए या उनको करैक्टरिस्टिक स्ट्राइकल टाइपल नेचर के दिए, ना कि सोशल इन्वायरमेंट दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अब जैसे उन्होंने डायरेक्टली कीट्स की माँ का नाम दे देते, उन्होंने ऐसा नहीं लिया, उन्होंने बाकायदा एक नाम दिया यूरेनिया। और उन्होंने कोई ऐसा भी नहीं किया कि सर जो जैसे नॉर्मली अपने कह दे सर दुख है नहीं, उन्होंने नेचर से प्रॉपर दुख लेके आए हैं, प्रॉपर जो करैक्टरिस्टिक टाइपल है नेचर के वो लेके आए हैं, क्योंकि ये ग्रीक ट्रेडिशन है। इसलिए उन्होंने क्लासिकल मिथ और इमेजरी का जबरदस्त यूज किया है। कीट्स के पोएटिक एफर्ट्स हैं वो उसके फ्लॉक्स हैं और वो प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर है। उन्होंने उसको प्रॉपरली उन्होंने फ्लोवर्स और बाकी चीज़ों के स्प्रिंग की बाकी चीज़ों साथ मिलाया है। हालांकि इवन उसकी जो ग्रीफ का डेप्थ है, जो गहराई है, पोइट कभी हमेशा हमें याद कराता रहता है कि सर ये स्प्रिंग टाइम ऑफ नेचर है। ऐसे नहीं है कि सर वो मतलब नॉर्मल एक उन्होंने बता दिया जी चार फूल गिर रहे हैं, नहीं साहब प्रॉपर स्प्रिंग का टाइम इंट्रोड्यूस करवाया अगलों ने। और एलिजल जो पेस्टोरल है वो हमें कंपेल्ड करता है कि हम एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली बाय द एंड ऑफ पोएम लेके जाएं, क्योंकि कोई भी पोएम जो पोइट है वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि बॉडी की डेथ तो होगी, जो भी पर्सन पैदा हुआ साहब उसको तो मरना ही पड़ेगा। इसीलिए पेस्टोरल एलिजी में होती तो एलिजी है लेकिन एंड के अंदर, जैसे आपने लिसीडियस अगर पढ़ा हो, एंड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में पॉजिटिव एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि पेस्टोरल के आइडियलाइजेशन आदर्श वो हमें ये रिक्वायर करते हैं कि हमें अपनी ट्रांसडेंट रियलिटी को मानना पड़ेगा कि हर देखिए हर पर्सन मरता है, कोई वो कीट्स मर गया तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं साहब, सब नहीं मरना है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। तो इसलिए पेस्टोरल एलर्जी हमें ये कि ये रिक्वायरमेंट है कि जैसे उसमें नाम जितने भी होंगे वो ग्रीक होंगे और जितने भी उसमें मिथ्स होंगे वो क्लासिकल मिथ्स और इमेजरी यूज की जाएगी, उसके अंदर फ्लोवर्स हैं। अब फ्लोवर्स के लिए तो इस बंदा स्प्रिंग टाइम लेके आता कि देखो साहब स्प्रिंग टाइम लेके आऊं कि वो ऑन दी फुल ग्रीफ पूरे दुख के अंदर भी वो हमें याद करवाता है कि सर ये स्प्रिंग टाइम चल रहा है। और इसीलिए वो क्या करता है, क्योंकि वो अब आपको भी पता है कि बॉडी की डेथ तो होगी होगी, तो पेस्टोरल की जो आइडियलाइजेशन है वो रिक्वायर करती है कि हमें जो है कि ये जो हमारी ह्यूमन होप्स और एस्पायरेशन है उनका अंत तो होगा ही होगा। इस एग्जॉलेशन के अंदर की जो लाइट है वो हमेशा अंधेरे पर विजय की जो है वो हमेशा अंधेरे पर विजय पाएगी, और जो ये माना जाता है कि सब ट्रुथ जो है वो हमेशा हिंसा पर विजय पाएगा, चाहे जितना मर्जी हैट्रेड आ जाए, कितनी मर्जी नफरत आ जाए, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होगी। रिसरक्शन अन पुनर्जीवन तो आके ही रहेगा, क्योंकि देखो अब डेथ होगी, डेथ के बाद उसका रिबर्थ तो होगा ही होगा। इस तरह से एडोनियस जो है वो हमारे को जब वो हम किसी इंडिविजुअल की डेथ होती है उसकी डेथ पर हम लैमेंट करते हैं, हम उसकी डेथ पर रोते हैं, तो उस टाइम हमें बड़ा रीअफर्म करता है कि साहब लाइफ तो दोबारा आएगी। और इसीलिए सर ये जो पोएम है ना, ये पी बी शैले का सबसे फेमस वर्क मानी जाती है,
हालांकि पीबी शैली को लिखते समय यह पता नहीं था कि जो जॉन कीट्स की डेथ है वो उन क्रिटिक्स के अटैक से नहीं हुई बल्कि उसके टीबी से अटैक से हुई है। लेकिन फिर भी जब उन्हें बाद में ये बात पता चली कि सर डेथ तो उससे हुई है, लेकिन फिर भी एडोनिस जो है बहुत ही शानदार पोइम है। और आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।